नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सूरज सुपरनोवा बन जाए तो क्या होगा? सूरज, जो हमारी धरती को जीवन देने वाला सितारा है, अगर अचानक से सुपरनोवा बनकर फट जाए तो हमारी पृथ्वी और सौर मंडल का क्या हाल होगा? क्या ये सच में हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो इसका असर क्या होगा? आज हम इसी पर बात करेंगे। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करेंगे जिसमें सूरज एक दिन सुपरनोवा बन जाए। ध्यान से देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। सबसे पहले यह समझते हैं कि सूरज असल में है क्या। सूरज हमारे सौरमंडल का केंद्र है और यह एक मध्यम आकार का तारा है जिसे हम जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। यह लगभग 4.6 अरब साल पुराना है और इससे निकली हुई ऊर्जा से हमारी पृथ्वी को जीवन मिलता है। सूरज हाइड्रोजन और हीलियम को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब सवाल उठता है कि सुपरनोवा क्या होता है और क्या सूरज ऐसा कर सकता है। सुपरनोवा तब होता है जब कोई बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में इतनी ऊर्जा पैदा करता है कि वह विस्फोट कर जाता है। यह विस्फोट इतनी जबरदस्त होती है कि पूरा तारा नष्ट हो जाता है। लेकिन हमारे सूरज का जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है और इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि यह सुपरनोवा बन सके। हाँ, लेकिन फिर भी हम इस काल्पनिक स्थिति पर चर्चा करेंगे कि अगर सूरज कल सुपरनोवा बन जाए तो क्या होगा। अब सोचिए एक काल्पनिक स्थिति जिसमें सूरज कल सुपरनोवा बनने जा रहा है। सबसे पहले सूर्य का कोर टूटना शुरू होगा और कुछ ही सेकंड्स में एक भयंकर विस्फोट होगा। यह विस्फोट इतने तेजी से फैलेगा कि उसकी ऊर्जा 10 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में फैलने लगेगी। यह विस्फोट सबसे पहले सौरमंडल के सबसे करीबी ग्रहों को नष्ट कर देगा, जैसे कि बुध और शुक्र। कुछ ही मिनटों में उनकी सतह पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। फिर बारी आएगी हमारी पृथ्वी की। सुपरनोवा की विकिरण और गर्मी की तीव्रता इतनी जबरदस्त होगी कि पृथ्वी की सतह पर जीवन को नष्ट करने के लिए केवल कुछ ही क्षण पर्याप्त होंगे। तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाएगा और पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह तुरंत जलकर राख हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस स्थिति में पृथ्वी का क्या होगा। जैसे ही सुपरनोवा का प्रकाश और विकिरण पृथ्वी तक पहुंचेगा, सबसे पहले हमारी वायुमंडल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। वायुमंडल इतनी गर्म हो जाएगी कि उसमें मौजूद सभी गैसें प्लाज्मा में बदल जाएंगी। आसमान में अजीब सी रोशनी होगी, लेकिन यह रोशनी आखिरी होगी जिसे कोई भी देख सकेगा। तापमान इतनी तेजी से बढ़ेगा कि पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन संभव नहीं रहेगा। महासागर उबलने लगेंगे और फिर वाष्पीकृत हो जाएंगे। पर्वत पिघल जाएंगे और धरती की सतह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। कुछ ही मिनटों में पृथ्वी एक जलते हुए गोले में बदल जाएगी। लेकिन इसका असर यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। सुपरनोवा की ऊर्जा इतनी जबरदस्त होती है कि यह पृथ्वी की कक्षा और यहां तक कि खुद पृथ्वी के पूरे ढांचे को भी नष्ट कर सकती है। संभव है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी अस्थिर हो जाए और पूरी पृथ्वी टुकड़ों में बिखर जाए। अब सवाल उठता है कि सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि अन्य ग्रहों का क्या होगा। मंगल ग्रह, जो सूरज से थोड़ी दूरी पर है, उसका क्या होगा? सुपरनोवा के विस्फोट की तीव्रता इतनी होगी कि वह मंगल और सौर मंडल के बाहरी ग्रहों तक पहुंच जाएगी। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे बड़े ग्रहों का वातावरण विस्फोट के कारण छिन्न भिन्न हो जाएगा। इन ग्रहों के चंद्रमा भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर पूरा सौर मंडल इस एक घटना के कारण बर्बाद हो जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या यह सब असल में हो सकता है। असल में हमारे सूरज का सुपरनोवा बनना लगभग नामुमकिन है। हमारे सूरज का आकार इतना बड़ा नहीं है कि यह सुपरनोवा बनने की क्षमता रखता हो। जब सूरज का जीवन समाप्त होगा तब यह एक रेड जाइंट में बदल जाएगा और फिर धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाएगा। यह प्रक्रिया करोड़ों सालों में पूरी होगी, इसलिए हमें अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे सौरमंडल को असल में ऐसी कोई खतरा नहीं है, लेकिन सुपरनोवा जैसी घटनाएं ब्रह्मांड में होती रहती हैं।
सुपरनोवा का अध्ययन करना हमें तारे के जीवन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की काल्पनिक यात्रा। अगर सूरज कल सुपरनोवा बन जाए तो क्या होगा? यह एक भयानक कल्पना है, लेकिन सौभाग्य से हमें ऐसी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। सूरज अभी भी कई अरब साल तक हमारे साथ रहेगा। विज्ञान की यह बातें हमें ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं और रहस्यों के करीब लाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही और अद्भुत जानकारियां लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।